नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले अपन ने वाद्य यंत्र पढ़े थे और वाद्य यंत्रों को मैंने आपके मुंह पे याद करवा दिए थे, वैसे आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है आभूषण। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है आभूषण। ठीक है, बहुत जने कहते हैं कि आभूषण तो हमें कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन अब कन्फ्यूज नहीं करेंगे। जिस प्रकार से वाद्य यंत्र याद करवाए थे उसी प्रकार से आपको मैं क्या करवाऊंगा यार, आभूषण करवाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले अपन नॉर्मल पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में प्रचलित आभूषण कौन कौन से। ठीक है, राजस्थान में प्रचलित आभूषण कौन कौन से वो अपन देख लेते हैं। देखो, अपन सीरियल वाइज चलेंगे। सिर, सिर के बाद नाक, नाक के बाद दांत, फिर कान गला, फिर गले के बाद हाथ पैर, ठीक है, कमर, ये सारे के सारे अपन एक साथ पढ़ेंगे। तो पहले याद रखो सिर के आभूषण। तो सिर के आभूषण, अपना जो सिर है इस सिर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। ठीक है, ये जो आभूषण है अधिकतर महिलाओं के आभूषण पड़ रहे थे। जो आभूषण है ये आभूषण किसके हैं? तो ये जो आभूषण है ये आभूषण है आपके महिलाओं के। राजस्थान में जो प्रचलित आभूषण है ये कौन कौन से हैं? ठीक है, तो महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है राजस्थान में, या पहनती थी, या तो पहनती है या फिर पहनती थी। तो सिर के कौन से? देखो, रखड़ी, सबको पता है रखड़ी क्या होती है, रखड़ी कहाँ पहनी जाती है। ठीक है, रखड़ी के बाद बोर भी आपको पता है, ये भी आप आराम से करके आ जाओगे। बोर के बाद टिक्का, टिक्का कहाँ लगाते हैं? सिर पे लगाते हैं ना अपन, या माथे पे लगाते हैं, तो ये भी आप आसानी से करके आ जाओगे। देखो, टिक्का के बाद टीवी भलका, टीवी भलका है, ये भी कहाँ पहना जाता है? ये भी सिर पे पहना जाता है। टीवी भलका के साथ बाद में मेमंद, मेमंद फीनी सरी सांकली। ठीक है, एक अपन पहनते हैं गले में भी पहनते हैं वो हाकल, वो नहीं है, सांकली। सांकली कहाँ पहनी जाती है? तो सांकली पहनी जाती है आपके सिर में। कहाँ पहनी जाती है? सिर में पहनी जाती है, ध्यान रखना। अब गोफन, देखो गोफन है, ये गोफन, एक गोफन होती है जो आभूषण में आती है और सिर पे पहनी जाती है, और एक गोफन आती है कि जो ग्रामीण परिवेश में कोई भी चिड़िया है, बंदर है, उनको भगाने के लिए एक चमड़े के आकार का बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से बना होता है, और इधर से एक रस्सी इधर से बांध दी जाती है और एक इधर से बांध दी जाती है, और बीच में क्या रख दिया जाता है, पत्थर रख के फिर घुमा के बंदरों को भगाने के लिए किया जाता है, वो भी एक प्रकार का गोफन ही होता है। लेकिन ये जो गोफन है, ये गोफन क्या है? ये आभूषण है जो महिलाएं कहाँ पहनती है? महिलाएं सिर पर पहनती है, ध्यान रखना। उसके बाद है चांद। ठीक है, चांद, अब ये चांद जो आभूषण है ये भी कहाँ पहना जाता है? ये भी सिर में पहना जाता है। शीश फूल, ये तो आप गलत करोगे नहीं, शीश फूल, सिर मांग भी आपको याद हो जाएगा। तावीद, ध्यान रखना, तावीद कहाँ पहना जाता है? तो तावीद जो आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है, और एक आता है तावीद, तावीद या ताबीज, तावीद या ताबीज, ये जो ताबीज जो आभूषण है वो पहना जाता है गले में, लेकिन जो तावीद आभूषण है ये पहना जाता है आपके सिर में। फिर सोहाली, काजल, बुलाक, टोपली, मेन, मावटी, चूड़ामन, अड़, या इसको अड़ भी बोलते हैं, अड़ या अड़ भी, और एक मोड़ियो, ये जो आभूषण है ये कहाँ पहने जाते हैं? तो ये महिलाएं अपने सिर पर पहनती है। अब देखो, मैं आपको जो कह रहा हूँ वो याद रख के चले जाना, काम हो जाएगा। एक आपका मेमन, मेमन याद रखना है, मेमन के बाद में आपको सांकली याद रखना है, सांकली के बाद में आपको गोफन याद रखना है, गोफन के बाद में आपको तावीद याद रखना है। क्या याद रखना है? तावीद। ठीक है, और टीवी बलका, ये जो आभूषण है मैंने लाल रंग से जो इनको गोला कर रखा है, ये आप अगर पढ़ के चले जाओगे तो भी आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। दोस्तों, तो सिर के आभूषण भूलना मत कौन कौन से, रकड़ी, बोर, टीडी, टीडी बलका, मेमन, पीनी, सरी, सांकली, गोपन, चांद, शीश फूल, सिरमांग, तावीद, सोहाली, काचर, बुलाक, टोपली, मेन, मावटी, चूड़ामन, अरिया, अर, और एक आपके हो जाएगा मोडियो। तो ये जो आभूषण है ये आभूषण कहाँ पहनती है महिलाएं? तो दोस्तों, ये आभूषण पहनती है आपके महिलाएं सिर पर पहनती है। कहाँ पहनती है? सिर पर। अब आपके आता है नाक के आभूषण, कौन से आभूषण है? अब नाक के आभूषण तो कौन कौन से हैं वो देखो, एक आपका है वारी, एक कौन सा है? वारी। एक आपका है कांटा, कौन सा है? कांटा। कांटा भी कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। उसके बाद चुन्नी, चुन्नी के बाद लौंग, एक है लौंग, ठीक है, लौंग, लौंग है, ये आपका नाक का आभूषण है, और एक आपका है लुंग। तो लौंग और लुंग ये भी कहाँ पहने जाते हैं? तो लौंग पूछे तो नाक में, और लुंग आते हैं ना, लुंग वो पहनते हैं कान में। कहाँ पहनते हैं? कान में। ठीक है, उसके बाद लटकन, चोप,
बलनी, नकबूल या नथबूल भी कहते हैं, नथ, बेसरी, वेन, कोको, खीवन और बारी। ठीक है, जो बारी है वो नाक में पहनी जाती है, जो बाली है वो कान में पहनी जाती है। बारी, बारी कहाँ पहनी जाती है? नाक में। बाली कहाँ पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। तो यहाँ से ध्यान रखना, बलनी आ जाए, नथ आ जाए, बेसरी आ जाए, खीवन आ जाए या फिर आपके चौप आ जाए, ये जो आभूषण है, ये आभूषण कहाँ पहनती है महिलाएं? तो महिलाएं पहनती है आपके नाक में। कहाँ पहनती है? नाक में पहनती है। ठीक है, अभी इनको समझ लो, बाद में अपन याद कर लेंगे। ठीक है, तो नाक के आभूषण कौन कौन से? ये जो आभूषण है वो कौन से है? वो आपके नाक के आभूषण है। ठीक है, चलिए अगला है आपके दांत। अब दांत के भी कोई आभूषण होते हैं? हाँ होते हैं। ठीक है, तो दांत के कौन से? चूप, रखन। चूप, रखन, दांस, मासा, मेघ। चूप, रखन, दांस, मासा, मेघ। मेघ कौन सा है? मेघ। तो ये जो आभूषण है महिलाएं कहाँ पहनती है? दांत में पहनती है। कहाँ पहनती है? दांत में। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मामा चूप रख, मामा चूप रख। माँ से हो जाएगा मासा, माँ यानी इस माँ से आप क्या करोगे? मेन। ठीक है, चूप से चूप हो गई और रख, रखत से आपको हो जाएगा रखन। क्या हो जाएगा? रखन। तो इस प्रकार से भी आप आभूषण को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले जो आपके आभूषण दिख रहे हैं वो आपके कान के आभूषण है, गले के आभूषण है और कमर के आभूषण है। ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि इस लाइफ में बहुत ज़्यादा आभूषण आ गए। तो दोस्तों ध्यान रखना कि गले और कान, ये जो आभूषण है ये आपके एग्जाम में अधिकतर ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो ओगरिया है वो कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है, बाली या कड़ी। अब हम पहनते ना बाली या कड़ी कान में, तो ये जो आभूषण है ये आपके कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ठीक है, मुर्गिया आप सबको पता है, मुर्गिया कहाँ पहनी जाती है? अधिकतर कान में पहनी जाती है। कर्णफूल, कर्णफूल, आगे कर्ण आ गया तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि कर्ण आ गया यानी कर्ण फूल। देखो हर चीज आप याद कर सकते हो, अपन इंसान है, भगवान नहीं है, हर चीज जरूरी नहीं होगा अपन को याद हो जाए, बस अंदाजा हो जाए कि हाँ ये जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है, तो ये इस अंग पे पहना जाता है। ठीक है, अब झुमका। ठीक है, झुमका सबको पता है, झुमका कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना झुमका, अब झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। ठीक है, तो वो आपको इतना नहीं जाना है, झुमका पहना जाता है कान में। कहाँ पहना जाता है? झुमका कान में। टोटी, टोटी भी कहाँ पहनी जाती है? टोटी पहनी जाती है, वो भी कान में पहनी जाती है। ठीक है, टोटी कहाँ पहनी जाती है? टोटी पहनी जाती है कान में। अब आता है फूल, फूल झुमका, फूल या फिर फूल झुमका। जो झुमका है उसका आकार अगर फूल की तरह हो गया तो वो क्या हो गया? फूल झुमका हो गया। वो भी कहाँ पहना जाता है? वो भी आपके कान में पहना जाता है। ठीक है, अगला आता है कुंडल, फतरी, लटकन। लटकन याद रखना। ठीक है, लटकन, लटकन कहाँ पहना जाता है? तो लटकन पहना जाता है कान में। ठीक है, अब कोई भी चीज़ देख लो, कुछ भी टेढ़ना हो, जैसे कि चश्मा पहनते हैं, चश्मा भी कहाँ पीछे टेढ़ते हैं? तो कान में पहनते। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई भी आभूषण है वो यहाँ पर अपन पहनते हैं तो वो लटकता रहता है, इसलिए ऐसे ध्यान रखना लटकन कहाँ पहना जाता है? लटकन कान में पहना जाता है। ठीक है, अब आ गया मोर भंवर, मोर भंवर। मोर की आकृति का एक आभूषण होता है जो महिलाएं कहाँ पहनती है? कान में पहनती है। फिर आ गया बादरायन, चोकड़ा, कोकरू, उसके बाद मणि, सुरलिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सुरलिया ध्यान रखना। सुरलिया कहाँ से लिया? कान से लिया। तो कहाँ सुरलिया कहाँ पहना जाता है? सुरलिया आपके कान में पहना जाता है। बाला, माकड़ी, एरंग पत्तो, एरंग पत्तो कान में पहना। गुड़दा, गुड़दा भी कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। मोर कवर कान, लुंग, एक लौंग, लौंग नाक में पहना जाता है, लौंग कान में पहने जाते हैं। कानिया, ये वैसे याद हो जाए, कनिया यानी। ठीक है, टॉप्स, टॉप्स किसको पता नहीं है? क्या आपको पता नहीं है? टॉप्स सबको पता है, टॉप्स कहाँ पहनते हैं? टॉप्स कान में पहनते हैं। ठीक है, अंगोटिया, ठीक है, अंगोटिया कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। बारेट, जमेला, जमेला, जेला, ये प्रकार के जो आभूषण है ये आपके कान में पहना जाता है। कुंटलिया, ठीक है, कुंटलिया कान से पकड़ के कुंटलिया यानी कान कहाँ पहना, कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है? कुंटलिया। चुटको, जुटनो, जुटनो, ये जुटनो भी कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। लेकिन आपको अंदाजा लगाना है कि ये जो आभूषण है, देखो इसमें आपके एक बाली आ जाए, मुर्गी आ जाए, फूल झुमका आ जाए, टोटी आ जाए, उसके बाद लटकन आ जाए या फिर आपके सुरले आ जाए। ठीक है, लूंग आ जाए,
टॉप्स आ जाए, मणि आ जाए, एक आपके ओगनिया और एक अंगोटिया, ये जो है ये कहाँ पहने जाते हैं, तो ये महिलाएं अपने कान में पहनती है, ये आभूषण कहाँ पहनती है, महिलाएं कान में पहनती है। अब आपके आ गया है गला, ठीक है, गले में याद रखना कि जिसके पीछे माला आ गई वो अधिकतर जो आभूषण है वो आपके गले में पहने जाते हैं। देखो हार, हार कहाँ पहना जाता है, हार गले में पहना जाता है। मुक्तमाला, मुक्तमाला यानी पीछे माला आ गया कहाँ पहनी जाती है, तो ये भी आपके कान में पहने जाते हैं, ठीक है। तुलसी, सॉरी गले में तुलसी, ये तुलसी है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तुलसी कहाँ पहनी जाती है, गले में। हंसली या खुगाली, हंसली या खुगाली कहाँ पहनी जाती है, तो ये भी आपके गले में पहनी जाती है। ठुस्सी, ठुस्सी भी कहाँ पहनी जाती है, गले में। तिमड़िया, तिमड़िया, तिमड़िया भी जो आभूषण है वो कहाँ पहनती है, महिलाएं गले में पहनती है। गलसन, नाम आगे गल आ गया यानी गलसन यानी गले में पहना जाता है। टेवरो, फूल, ठीक है। प्याड़, हमेल, हमेल कहाँ पहना जाता है, गले में। गूलबंद, गले में पहना जाता है। जुगनी, पाड़क, मंगलापुत्र, जालरा, मांदलिया, मांदलिया सबको पता है, मांदलिया कहाँ पहना जाता है, गले में पहना जाता है। रामनामी, रामनामी जो आभूषण है ये भी गले में पहना जाता है। उसके बाद बजंटी, बजंटी भी कहाँ पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है। टोंक, पंचमानिया, चंपाकली, तखाई, तेवड़ियो या तेवड़ियो, तांतनियो, नकस, निम्बोली, गोब, ताबीज आ गया, देखो ताबीज, एक ताबीज है जो आपकी सिर में पहना जाता है और जो ताबीज, ताबीज है वो आपके गले में पहना जाता है। गोब, बाडलो, हाकली या हाकली, मटरमाला, कंठमाला, थमनियो, गलबंद, चौकी, तीलड़ी और मंडली, ये जो आभूषण है ये आभूषण अधिकतर आपके कहाँ पहने जाते हैं, आपके गले में पहने जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। और इसके अलावा जो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट आभूषण है वो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से क्या करवा दूंगा, याद करवा दूंगा। अब आपके कमर के आभूषण, देखो कमर के ऐसे आभूषण है अधिकतर आपको पता ही होता है, ठीक है। कंदोरा, सिंपल कहाँ पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। कंडोरू, कंदोरा, कंडोरू कहाँ पहना जाता है, कमर में। कंदो, कंदोरी या फिर करदनी। कणगति, तगड़ी क्या है, कमर, तो कमर तगड़ी कहाँ पहनी जाती है, कमर में। जंजीर, जंजीर पैरों में भी पहनी जाती है और कमर में भी पहनी जाती है। कड़बूल, सटका, सटका सबको पता है, सटका महिलाएं कहाँ पहनती है, सटका कमर में पहनती है, ठीक है। कटी मेखला, सांवली, मतलाई और केड़ चाबी, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक कंदोरा याद रखना है, कंडोरू याद रखना है, तगड़ी याद रखना है, उसके बाद में आपको कणकती याद रखना है, ये चार आभूषण है यहाँ से आपको याद रखने वाले आभूषण है, ठीक है, यहाँ से याद हो जाएंगे। चलो अगला आभूषण देखते हैं, तो अगला आपके आभूषण है, देखो हाथ के आभूषण है लेकिन हाथ की कलाई के आभूषण अलग है, हाथ में हाथ की जो आपके उंगलियां हैं इन उंगलियों के आभूषण अलग है और हाथों यानी बाजू के आभूषण अलग है। तो ये जो आभूषण है ये किसके हैं, आपके बाजू के आभूषण है या बाजू बंद के आभूषण है, ठीक है। देखो हाथों की कलाई के कड़ा कहाँ पहनते हैं, कड़ा हाथ में पहनते हैं। कंगन, अब कंगन किसको पता नहीं होगा कि कंगन कहाँ पहनते, ठीक है, कंगन पैरों में तो पहनते नहीं, हाथों में ही पहनते हैं, ठीक है। कांकणी भी हाथों में पहनते। गोखरू, गोखरू जो आभूषण है वो भी आपके हाथों में पहना जाता है, ठीक है, हाथ की कलाई में पहना जाता है। गजरा, ठीक है, गजरा है ये भी हाथ की कलाई में पहना जाता है। पतरी, तोड़े बंगड़ी, बंद, चूड़िया, अब चूड़िया तो चूड़िया भी आपको बताना पड़ रहा है कि चूड़िया कहाँ पहना जाता है, याद रखना चूड़िया हाथ की कलाई में। नोगरी या नागरी, गुंथवा कड़ा, पौंछ, कातरिया, ये कातरिया याद रखना, कातरिया कहाँ पहने जाते हैं, ग्रामीण परिवेश में हम कातरिया कहते हैं ना कि कातरिया कहाँ से लाए, तो कातरिया कहाँ पहने जाता है, कलाई में पहना जाता है। मोकड़ी, चूड़ा, लंगर, पाटला, ठीक है, पाटला याद रखना, पाटला कहाँ पहना जाता है, गले में, सॉरी हाथ की कलाई में पहना जाता है। उतरनी, तांती, ठीक है, तांती हो ना, तांती भी अपन यही बांधते ना, समझ जाओ, तांती कलाई में पहने जाते। फुंदा, चांद, जाव या बिलिया, ये जो आभूषण है इनमें से इंपॉर्टेंट आभूषण देखो, एक तो घोघरू याद रखना, गजरा याद रखना, चूड़िया याद रखना, उसके बाद में नोगरी या नोगरी, नागरी याद रखना, कातरा याद रखना, माकड़ी याद रखना, ठीक है, और पाटला याद रखना। ये जो आभूषण है मुख्य रूप से आपको क्या करने है, याद रखने। अब आपके आ जाते हैं हाथों की अंगुलियों के, अब ये जो अंगुलियां हैं इन अंगुलियों में कौन कौन से याद रखना है, तो देखो जितने आपको याद है, पहली अंगूठी सब पहनते हैं, तो अंगूठी अंगुलियों में पहनते हैं, अंगुस्तान में, उंगलियों में पहनते हैं। हथफूल, ठीक है, हथपान
ये जो हथपून हथ बना था ना कि उंगलियों में ऐसी कोई अंगूठी पहनते हैं जिसके ऊपर फूल बने होते हैं, वो आपके हथफूल होते हैं, ठीक है। खड़े दावना में उंगलियों में पहनते मुंदड़ी, छल्ला, दामना, अरसी, तो इनमें से आपको ये जो है, ठीक है, ये वाले और ये वाले आपको क्या करना है, मुख्य रूप से दामना दामनी कहाँ पहने जाते हैं, उंगलियों में पहने जाते हैं, अरसी भी उंगलियों में पहने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे मैं ऐसी महिला भी बताऊंगा जिसने सारे के आभूषण पहन रखे। अब आपके हाथों के आभूषण है बाजू, या बाजू में कौन कौन से पहने, बाजूबंद, टड्डा, अनथ, बाहु, दुलई, हाथुनी, बिजाया, बहरखो, तकमा, नवरत्न, छेलकड़ी, ये छेलकड़ी याद रखना, पछेली, इसमें से बाजूबंद, टड्डा, अनथ, ठीक है। और ये जो आभूषण हाथ की बाजू में महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। चलिए अगले जो आभूषण है वो है आपके पैर के आभूषण, किसके पैर के, देखो पायल पायजेब पता है, रमजोल है, वो जो कपड़े के ऊपर घुंघरू बांधते हैं ना फिर पैरों में बांधकर नाचते, तो उसे कहते हैं रमजोल, ठीक है। एक रमजोल क्या है, रमजोल एक गणवाद्य यंत्र भी है और रमजोल एक आभूषण भी है जो महिलाएं पैरों में बांधती हैं, ठीक है। कड़ा हाथों की कलाई में भी बांधते हैं और कड़ा यहाँ पर पैर की पैरों में भी बांधते हैं, ठीक है। कड़ा या लंगर, फिर आंवला, नेवरी, झांझर या नूपुर, झांझर आभूषण भी है, झांझर ध्यान रखना, ठीक है। छड़, तोड़ा, जेहर, भांग, मक्या, हिरनामेन, लचने, घुंघरू और पेंजनिया, इसमें से आपको याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो एक तो ऊपर की ये सब याद रख लेना, नूपुर पायल को ही कहते हैं ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में हिरनामेन आपको याद रखना, घुंघरू याद रखना, ठीक है। ये आपके आभूषण है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगले हैं आपके पैर की अंगुलियों में कौन कौन से पहनते, देखो गोलिया, बिछिया, पगपान, फोलरी, अनवर, माछली, नखलियों, छलकी, इनमें से फोलरी याद रख के चले जाना, ये आपके पैर की अंगुलियों के आभूषण होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो महिला है, इस महिला ने आपके कहाँ कहाँ इसने आभूषण पहन रखे हैं वो देखो, पहले देखो सांकली कहाँ पहन रखी है महिला ने, सिर पर पहन रखी है, तो सांकली जो आभूषण है महिलाएं कहाँ पहनती है, सिर पर पहनती है, रखड़ी या बोरलो भी सिर पर पहना जाता है, ठीक है। अब देखो शीश फूल, टीका, मांग, ये सारे के सारे आपके महिला कहाँ पहनती है, तो सिर पर पहनती है, ठीक है। अब कुमकुम, बिंदी और तिलक, ये तो अब आपको भी पता है, कुमकुम होगी, बिंदी है, तिलक है, ये अधिकतर महिला कहाँ पहनती है, सिर पर ही तो पहनती है, ठीक है। अब टीडी बल को महिलाएं सिर पर पहनेगी, जेला, जमेला, ठीक है। तो ये जो आभूषण है ये आपके सिर के आभूषण है। अब देखो, अब ये जो कान है, इस कान में महिलाएं कौन कौन से पहनती, कर्णफूल, सुरलिया, झूमर, टॉप, जेला, जमेला, ठीक है। अब आपके देखो, अब इस महिला ने यहाँ पर और आभूषण पहन रखे जिसमें ओगड़िया, टोटी, झुमका, बाली, ये कानों में पहने जाने वाले आभूषण है, ठीक है। अब गले में इसने कौन कौन से पहन रखे, तुलसी, मटर माला, ठुसी, हार, झालर, हाल, तिमणिया, ठीक है, ये इस महिला ने गले में पहन रखे। और गले के आभूषण देखते हैं तो कंठी, ठीक है, कंठी, खुंगाली या हंसली, मंगलसूत्र, मांदलिया, ठीक है, तिमणिया, चंपाकली, पंचली, मंडली, ये आभूषण महिलाएं गले में पहन रखा है, ठीक है। अब नाक में कौन कौन से पहन रखे, लूंग, नथनी, कांटा, बलनी और फीनी, और दांत में चूप रख, रखन और चूप, दोनों आभूषण महिलाएं अपने दांतों में पहनती हैं। अब हाथों में ये जो आभूषण है ये बाजूबंद, ये जो बाजू के आभूषण है उसमें बाजूबंद, नव रतन, भुजबंद, हारपान, तो ये बाजू के आभूषण जिसमें चूड़ली, टड्डा, अनाथ, फुंदा, ये आ गए, ठीक है। अब हाथ की जो कलाई है, इस कलाई में कौन कौन से आभूषण पहन रखे महिला ने, तो गोगरू पहन रखा है, कंकन पहन रखे हैं, चूड़ा, उसके बाद बगड़ी, ठीक है, और चूड़ियाँ, पूंजियाँ, ये पहन रखे। अब हाथ यहाँ पर ये देखो, ये जो आभूषण है ये आप कौन सा है, हथफूल है। अब उंगलियों में देखो, बीटी पहन रखी है, मुंदड़ी पहन रखी है, अंगूठी पहन रखी है और अरसी पहन रखी है, जो अरसी है थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अब इसने कमर में देखो, कमर में कर्णगति पहन रखा है, कंडोर पहन रखा है, जंजीर पहन रखा है, करगनी पहन रखा है, तगड़ी और सटका पहन रखी, तगड़ी याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पैर है, पैर में देखो फूलड़ी कहाँ पहनती है, तो पैर में पहनती है, छड़, झालर,
पैर में पहनती है, पंजा पगबान ये भी महिला का पहनती है, पैर में पहनती है। तो ये जो आप यहाँ पर उंगलियों में देखो फोलरी बिछिया ये कहाँ पहन रखी महिला ने, ये इस महिला ने पैरों में पहन रखी, ठीक है, पैर की उंगलियों में। अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो आभूषण है इसको कहते हैं गोड, और यहाँ पर जो पैर की जो कलाई है वहाँ पर घुंघरू, इसने क्या घुंघरू बांध रखा है, ठीक है। और ये जब ये घुंघरू अमन किसी कपड़े के ऊपर घुंघरू बांध लेते तो वो कौन सा आभूषण हो जाता है, वो हो जाता है रमझोल, कौन सा हो जाता है रमझोल, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे ग्रामीण परिवेश में जो मोटा मोटा जो आभूषण पहनती है उसे बोलते हैं कड़ा, क्या बोलते हैं कड़ा, वो आज भी प्रचलित है, आज भी अगर आप देखोगे तो ग्रामीण परिवेश में कड़ा ही पहन रखा है, ठीक है। तोड़ा हिरनामेन आंवला, या आंवला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आंवला खाने वाला नहीं, आंवला एक आभूषण है, महिला कहाँ पहनती है पैरों में पहनती है। तनका चोपली नेवरी, ये नेवरी भी क्या है आपके आभूषण है। अब पायजे पायल, ठीक है, ये जो महिला है आभूषण पहनती हैं आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, अरे अंदाजा लगा के सिर्फ इनको याद रखना है, ज़्यादा मतलब इनको पूरा घूट नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आएगा वो प्रश्न हम सही कर लोगे, ठीक है, एक अंदाजा लगाना है कब ये जो आभूषण है ये महिला कहाँ पहनती है, तो ये महिला आभूषण अपने या तो सिर पर पहनती है, ताबीत आ जाए सिर पर पहनती है, ठीक है, टीडी बलगा सिर पर, तिलक कहाँ पहनती है, तिलक तो सिर पर पहनती है, ठीक है, ठूसी गले में पहनती है, ठीक है, तांती हाथ के भी पहनती है, कुछ ऐसे होते जो गले में भी तांती पहनते हैं, ठीक है। चलो अगले जो आभूषण है ये अपने पुरुषों के, ठीक है, राजस्थान में पुरुष भी क्या कहते हैं आभूषण, मुर्गिया मुर्गिया, ये जो मुर्गी और मुर्गिया जो पुरुष होते हैं ये क्या पहनते हैं, ये गले में सॉरी अपने कानों में पहनते हैं, ठीक है, सोने या चांदी की गोलाकार आकृति को ठोस या कोड़े मुर्गी कहलाती है, इसे पुरुष कान में पहनते हैं। लोंग लुंग आपको पता है कान में पहनते हैं, ठीक है, जाले ये भी कान के आभूषण है, छेल कड़ी, ठीक है, पुरुषों के कान के आभूषण, बाजूबंद पुरुष अपने हाथ में पहनता है, नरमुख ये भी हाथ में पहनते हैं, अंगूठी बिटिया या मुंदनिया ये भी हाथ, ये कहाँ पहनते हैं, ये पुरुष अपने हाथों में पहनते हैं। चूड़ जो आभूषण है ये आभूषण भी पुरुष अपने हाथों में, बलेवड़ा, ठीक है, बलेवड़ा याद रखना, बलेवड़ा जो होता है वो गले में पहनते हैं। चौकी, ठीक है, चौकी जो आभूषण है आप देखते हो कि इस प्रकार से एक आभूषण है, यहाँ पर बीच में चौकी बना दी जाती है जिसमें उनके जो पवित्र जो भी लोग उनके जो लोक देवता होते हैं उनकी तस्वीर गढ़ा कर वो क्या कहते हैं गले में पहनते हैं, उन्हें चौकी कहते हैं, ठीक है। आगे देखो कंटा है गले में पहनते, कलंगी जो आभूषण है ये साफे पर लगाया जाता है, ठीक है, सिर पे भी साफे पर लगाया जाता है, सेहरा तो विवाह के अवसर पर दूल्हा सिर पर बांध कर आता है सेहरा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चौथ, चांदी से बड़ी चौकोर जालियों की जंजीर जिसे पुरुष अपनी कमर पेंट पर लपेट कर पहनता है, गले का आभूषण है। गोप, गोप कहाँ का है, तो गोप गले का आभूषण है, ठीक है। अभी इनको आप समझो देखो कि ये जो आभूषण है ये आभूषण कहाँ कहाँ पहनते हैं, किस प्रकार के आभूषण होते हैं, ठीक है, फिर मैं ऐसी ट्रिक लेके आऊँगा कि आपको जिस प्रकार के वाद्य यंत्र याद हो गए थे उसी प्रकार से आपके आभूषण भी याद हो जाएंगे, ठीक है। मोती अक्षत, माथे पर तिलक के समान प्रतीत होता है इसलिए यह सिर पर पहनते हैं, ठीक है। मोती चोकड़ा, मोतियों से निर्मित पुरुषों द्वारा कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। बीरबली, ठोस सोने का बना होता है और ये भी कान में पहनते हो। मादी कड़गम, ये मादी कड़गम याद रखना कान में पहनते, ठीक है। चलिए अब ये पुरुष आपको दिख रहा है, ये राजस्थान में पुरुष है, ठीक है, इन ये अपने राजस्थान के पुरुष हैं और इन्होंने ये अब इनका सिर है, सिर के ऊपर कलंगी तूरा मालाबंद ढुकढुकी ये जो आभूषण है ये इस साफे पर पहनते हैं, ठीक है। अब ये जो कान है इस कान के ऊपर लौंग मुड़कियां जाले बालियां छेलकड़ी मादी मड़गम ये आभूषण कान पे पहनते हैं। अब ये जो बाजू है इसमें ये भुजबंद पहनते हैं, ठीक है, भुजा इनकी भुजबंद। अब ये हाथ की कलाई के हैं तो कड़ा पहनते हैं, यहाँ पर कनकना भी पहनते, कड़ा तो आजकल सभी पहनते हैं, ठीक है, आप लोग भी पहनते होंगे कड़ा, तो आपने भी पहना ही होगा, ठीक है। अंगूठी, अंगूठी या बीठी, ठीक है, ग्रामीण परिवेश में अंगूठी को बीटी ज़्यादा कहते हैं। अब ये जो कड़ा दिख रहा है आपको ये तो ये जो कड़ा है ये कान में हाथ की कलाई भी पहनते हैं और ये जो कड़ा है इसको छेल कड़ा टोड़े बेड़ी पाकड़ो ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले बच्चों के कान के, तो हंसली या हंसुली छोटे बालक हैं उनके कहाँ पहना जाता है ये तो गले में पहना जाता है, ठीक है। कांटला कड़े कुड़िया मोतियाँ लूंग कानों में कड़े जो होते हैं बच्चों छोटे छोटे कडूलियाँ होते हैं, ठीक है, वो हाथों में पहना जाता है, मोती लूंग कानों में पहना। जांजरिया जांजरिया या पेजनी पाँव की पहनाई जाने वाली सांकली जिसमें घुघरियाँ लगी होती है इसे पेजनी भी कहते हैं। कुड़क और नजरिया, तो ये जो आभूषण है मेरे प्यारे दोस्तों
मैं आशा करता हूँ कि इनको एक अंदाजा से आपको एक दिमाग में बिठाना है कि ये जो आभूषण है ये आपके गले में पहने जाते हैं, ये कान में पहने जाते हैं, ठीक है। बाद ही ज़्यादा इनको ऐसे मतलब सीरियस होके हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस आपको एक अंदाजा लगाना है और उस अंदाजे से आपको क्या करना है, प्रश्न सही करने हैं, ठीक है। अभी आप इस क्लास को देखोगे आपको आभूषण के थोड़े बहुत नाम याद होंगे, लेकिन जब मैं इनके सामने आपके सामने ट्रिक लेके आऊँगा तो वो आपके आभूषण क्या हो जाएंगे, एकदम वाद्य यंत्र की तरह क्या हो जाएंगे, कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह अदम्य अकेडमी के साथ जुड़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। थैंक यू सो मच।